नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु आथरे प्रथमे हेडलाइन्स देशर अर्थनीति पाई खुशी खबर रेकर्ड स्तर रे पहुंचला भारतर विदेशी मुद्रा भंडार गोल्ड रिजर्व रे मध्य वृद्धि फॉरेन्स करेंसी आसेट रे वृद्धि जोगु होई परिला रेकर्ड शांति कमिटी रे अशांतिर झड़ किसी सदस्यों इस्तफा पर कमिटी भांगा दाबी में ठेला पेला ओडिया भावबेग बुझुन अफिसर उपरे बर्षिले पूजा कमिटी सदस्य नतमस्तक बिजेड नेता 16 तारीख भितर निष्पत्तिर पुनर्विचार दावी आज सारा देश में होब नीट यूजी परीक्षा कोविड गाइडलाइन मध्यरे होइछि स्वतंत्र व्यवस्था 3862 केन्द्र में परीक्षा देवे 16 लक्ष रु अधिक छात्र छात्री इस्तफा देले गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कारण अस्पष्ट प्रेसमिट करी कहिले एहा एक स्वाभाविक प्रक्रिया सेपट आज बसव विधायक दल बैठक मुख्यमंत्री रेस रे नितिन पटेल को ना आगे चर्चा भारत ऑस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय 2+2 बैठक बैठक में उठिला अफगानिस्तान प्रसंग आर्थिक साइबर सुरक्षा और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को नहीं आलोचना लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी 24 घंटा मध्य अवपात परिणत होगा आशंका काले जाए बर्षव मत्स्यजीवी को समुद्र को न जावाक परामर्श विजु स्वास्थ्य कुमर खोली भयर ऑफेंसिव बीजेडी भावमूर्ति पंचायबा को बीजेडी नेता विभ्रांतिकर बयान एवं जनता पचारुछि प्रश्न दुष्मंत मासत ना बीजेडी नेता आज संपूर्ण खबर को रेकर्ड स्तर में पहुंचला भारतर विदेशी मुद्रा भंडार 3 सेप्टेम्बर शेष होता सप्ताह यह 642.45 अरब डॉलर पहुंची सेपरी गोल्ड रिजर्व रे मध्य वृद्धि घटी फॉरेन करेंसी आसेट रे वृद्धि जोगु विदेशी मुद्रा भंडार नुआ रेकर्ड छुईवा जना पड़ी देशर अर्थनीति पाई खुशी खबर रेकर्ड स्तर में पहुंची भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 3 सेप्टेम्बर शेष होता सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर वृद्धि 642.45 अरब डॉलर रे पहुंची भारतीय रिजर्व बैंक पक्षर यह तथ्य जारी करा फॉरेन करेंसी आसेट रे वृद्धि जोगु एपरी होता जनापड़ी जहांकि विदेशी मुद्रा भंडार एक गुरुत्वपूर्ण अंश 3 सेप्टेम्बर शेष सप्ताह फॉरेन करेंसी आसेट 8.213 अरब डॉलर रु वृद्धि पाई 579.813 अरब डॉलर रे पहुंची डॉलर रे हिसाब करा जाउथवा फॉरेन करेंसी आसेट रे यूरो पाउंड ओ येन आदि अन्य विदेशी मुद्रार मूल्य वृद्धि मध्य शामिल थाए एही सप्ताह रे देशर गोल्ड रिजर्व मध्य 64.2 कोटी डॉलर वृद्धि पाई 38.083 अरब डॉलर रे पहुंची ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज थमुनी मूर्ति उच्चता बिवाद 4 फुट उच्चता कटकणा हटाइबा को सर्वसम्मति प्रस्ताव सरकार को निष्पत्तिर पुनर्विचार पाई निवेदन कला कटकर शांति कमिटी और पूजा कमिटी 16 तारीख सुधा एने निज निष्पत्ति जनाइबा को कहला कमिटी एने मुख्यमंत्री को बुझाइबे कटक सांसद भर्तृहरि महताब और पूर्वतन बांके विधायक प्रभात त्रिपाठी आशा अच्छी सहरवासी भावे को सरकार विचार को ने जीवन जीविका सहित भाववेग को मध्य सम्मान दिया उचित मुख्यमंत्री लोकों भाववेग को बुझे बोली बैठक पर कटक सांसद भर्तृहरि महताब तेज 17 तारीख दिन शांति कमिटी और पूजा कमिटी आउ एक बैठक अनुष्ठित होबो बैठक में कमिटी पूजा संपर्क में तार परवर्ती निष्पत्ति नेबो पूजा कमिटी संपादक प्रभात त्रिपाठी कटक दुर्गा पूजा मूर्तिर उच्चता वृद्धि और सर्वसाधारण दर्शन को दावी को राज्य सरकार आग्रह करने कटक पूजा कमिटी और शांति कमिटी बैठक डक तेरे पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल वक्तव्य रखुवा बेले कमिटी सदस्य मैंने होहल्ला करते बैठक में सर्वसम्मति क्रमे 2 प्रस्ताव आज गृहीत
गोटे प्रस्ताव हूँ स्वाभाविकता रक्षा करी माँ को मूर्ति मूर्ति निर्माण करा जाउ एवं सेतिपय प्रशासनिक अनुमति मिलू एवं दुई रे कोविड गाइडलाइन को पालन करी माँ को पूजा अर्चना पार्वण समय रे मध्य हो एठी लक्ष्य करिवार कथा होची गत काली जो कोविड गाइडलाइन पूजा पार्वण पई राज्य सरकार घोषणा करिचंती तार पुनर्विचार करिवा पई आज ये सभा सर्वसम्मति क्रमे एक प्रस्ताव ग्रहण कर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी दिया पक्षर जिते बड़े ये पदाधिकारी मैंने आम सहित आलोचना कले एवं प्रत्यक्ष भाव में आज सेंस ऑफ द हाउस प्रत्यक्ष भाव में मुख्यमंत्री सागर आलोचना करने जो भावाबेग प्रकाश पाई से आम ठिकना भाव ए बाबदर अधिक सूचना पे हम सहित कटक रिपोर्टर इमरान खान जोड़ी रही चंते इमरान ये विवाद बहुत दिन हला लागि रहिछे किंतु एबे जे कथा कह जाउछि पा एबे जो बैठक बसिला बैठक परे कह जाउछि जे सरकार आउतरे निष्पत्ति नेबे शहर वासिंकर भावबे को सरकार सुनिबे त देखो तो मधुरी गोटे पटे सहरवासी भावावेग अन्य पटे सामाजिक संगठन मान आंदोलन आउट पटे देखिए राजनैतिक दल मैंने हस्तक्षेप करटकवासी आस्था कथ रही अस्मिता कथ रही जेहेतु दशहरा हूँ कटक रोटे सबुठ बड़ पर्व यह समस्त नजर रही है कि जेहेतु चलित थर सरकार जो निष्पत्ति रही सरकार जो निर्देश रही कोरोना कटक मध्य पूजा अर्चना करने जेहेतु साधारण दर्शन बंद रही चारिपुट उच्चता विशिष्ट मूर्ति पर्दा भितर पूजा अर्चना करने सरकार जो निष्पत्ति रही जो सरकार निर्देश देखते विरोध करपटे गत काली शांति कमिटी पूजा कमिटी पुणे थे बैठक बसला और बैठक में जहां निष्पत्ति पुनर्व सरकार विचार करने कमिटी सरकार को नवेदन पुणि थर करजे हस्तक्षेप करटक सांसद भर्तरी महताब ए कटक पूजा महानगर पूजा कमिटी संपादक प्रभात त्रिपाठी और सहित पूजा कमिटी सदस्य मैंने पुणि थे मुख्यमंत्री पाखक सीधा सड़क जीवन से आलोचना करेंगे और आलोचना दुईट अधिक दुईट मुख्यतः प्रस्ताव दि जाए प्रथम प्रस्ताव है माँ को मूर्ति उच्चता जो रही चार फुट जो कह सामान्य जमीती मूर्ति उच्चता थाए से मूर्ति उच्चतार जो कटक अच्छी कोहल करने प्रस्ताव दिजाव अन्य प्रस्ताव है जे आबद्ध जो पूजा अर्चना करने सरकार जो निष्पत्ति अर्थात जो पर्दा भितर पूजा करने सरकार जो निष्पत्ति कोहल करने प्रस्ताव दिजाव अर्थात दुईट मुख्यतः प्रस्ताव दिजाव दुईट मुख्यतः प्रस्ताव को सरकार जो ग्रहण कले से समस्ते धन्यवाद अर्पण करेंगे जदि सरकार ही निष्पत्ति को ग्रहण न करती परवर्त समय 17 तारीख दिन पुणी थे शांति कमिटी पूजा कमिटी बैठक हम और से परवर्त पदक्षेप निजी कौन करना कितु ता पूर्व जीत जानते हैं आंदोलन स्वर बर्तमान कटक सहर भितर छाई समस्ते विभिन्न उपाय ढंग से आंदोलन कर दावी कर सरकार यही दुईट निष्पत्ति को ग्रहण करतु जेहेतु कोविड कटक सरकार लगातु सरकार कोविड गाइडलाइन जहां भी जारी करेंगे सब गाइडलाइन को पालन करने समस्त राज्य अच्छा किंतु यही जो दुईट कटक रही है खास करके मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा ये दुईट को सरकार कोहल करतु जहां कि समस्त दाबी रही गत काली बैठक में निष्पत्ति अंपटे जल्दी आप देखिए बैठक मझीरे किसी समय असंतोष देखाई अनेक पूजा कमिटी सदस्य गोटी दाबी रही मूर्तिर उच्चता और आबद्ध पूजा ये दुईट को कोहल करने सरकार कहीं राजी होना कहीं शांति कमिटी राजी करे सफल है ना प्रथम थर जो बैठक होता तो यह असंतोष प्रकाश पड़ता से पुनच्छेद पकड़ते कटक सांसद भर्तरी महताब जहाँकि दुईट प्रस्ताव को से मुख्य प्रस्ताव रखिए दुईट मुख्य प्रस्ताव ही सरकार पाखे से मैंने जनइबे खास करके मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पाखे जा प्रस्ताव जनइबे जहाँकि गत काली से प्रतिश्रुति अपेक्षा अच्छी आसंता 16 तारीख भितर कौन निष्पत्ति सरकार रही सरकार सहर कटक सहरवासी भावेग सहित पुणी थे सम्मान जनाऊंट सरकार किसी निष्पत्ति बदलाउंट कि नहीं तापर समस्त नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपण तमाम सूचना आज सारा देश में हेबो नीट यूजी परीक्षा 2021 शिक्षा वर्षर मेडिकल तथा एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम नाम लेखा लगी आज कोविड कटक परीक्षा हेबो कोविड गाइडलाइन सह स्वतंत्र व्यवस्था मध्य परीक्षा देवे छात्र छात्री चलित बर्ष परीक्षा केन्द्र होगा सहर संख्या वृद्धि करा
202 सहर रे होइतेबा 3862 परीक्षा केन्द्र रे प्राय 16 लाख रु अधिक छात्र छात्री परीक्षा देबा रे एनआईटी पक्षरु सूचना दिया जाय छे। तबे ओडिसार 16 सहर अनुकूल बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर बलांगीर भवानीपाटना केन्दुझर कोरापुट मालकानगिरी पारळाखेमुंडी फुलबाणी रायगड़ा और पुरी सहर रे नीट परीक्षा केन्द्र अनुष्ठित होउछि। केवल भुवनेश्वर 16 परीक्षा केन्द्र में मोट 10,996 परीक्षार्थी परीक्षा देते दिन 2 परीक्षा आरंभ हो अपराह 5 सर परीक्षा केन्द्र को परीक्षार्थी दिन 11:30 मध्य प्रवेश करेंगे। परीक्षा केन्द्र को प्रवेश और प्रस्थान समय जपरी भिड़ न हुए से परीक्षार्थी को टाइम स्लॉट प्रदान कर समस्त परीक्षार्थी को मास्क जोगाइ दिया। परीक्षा केन्द्र में पंजीकरण स्पर्श विहीन र विशोधन सह परीक्षार्थी बसवा समय सामाजिक दूरता को कड़ाकड़ी पालन करने को निष्पत्ति निजाई तेरे छात्र छात्री आडमिट कार्ड डाउनलोड होवार कौन असुविधा देखादे 01147599000 नंबर में जोजोग करने को विजय रूपाणी इस्तफा पर किए हे गुजरात मुख्यमंत्री ताकु नहीं चर्चा इस्तफार कारण स्पष्ट होइन थिले मध्य विजय रूपाणी कहते दल रे एहा एक स्वाभाविक प्रक्रिया मते 5 वर्ष जाए मुख्यमंत्री दायित्व मिलिथिला दल जो दायित्व देव ताहाकु ग्रहण करबे एभली दायित्व देथिबारु बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछन्ति। विजय 2 पाळी रे 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहितबा विजय 2016 रे प्रथम थर पाई मुख्यमंत्री आसन रे बसिथिले आनंदीबेन पटेल को स्थान रे विजय को बाछिथिले बीजेपी एहा परे 2017 विधानसभा निर्वाचन परे दल विजय को ही मुख्यमंत्री करथिला। तबे आज दिन 2 रे बीजेपी विधायक दल बैठक बसिबा को जाउथिबा बले मुख्यमंत्री रेस रे नितिन पटेल को ना आगरे थिबा चर्चा हेउछि। नितिन 2016 अगस्त 5 रे गुजरात उपमुख्यमंत्री होइथिले 2001 अर्थमंत्री मध्य थिले 6 थर विधायक होइछन्ते नितिन पटेल सेपटे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य नाम मध्य चर्चा रही। विजय इस्तफा देवा परे बीजेपी दफ्तर में पहुंची मांडव्य भारत और ऑस्ट्रेलिया विदेश एवं रक्षा मंत्री मध्य 2+2 आधारित बैठक होई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर निजर ऑस्ट्रेलिया समकक्ष पीटर टंडन एवं मारिस पायन आलोचना करते दुई देश में 4 नेता आर्थिक साइबर सुरक्षा अफगानिस्तान एवं हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को नहीं आलोचना करते उभय देश पक्ष मिलित बयान जारी कर प्रतिरक्षा एवं वैषयिक महामारी विरोध में लड़ाई सह व्यापार सहयोग पर विभिन्न संस्थागत फ्रेमवर्क आलोचना होता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते सेपरि विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते जून 4, 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट रे दुई देश प्रधानमंत्री आमर संपर्क को एक व्यापक रणनैतिक सहभागिता पर्यंत बढ़ावा पर सहमति व्यक्त करते प्रतिरक्षा मंत्री पीटर टंडन और विदेश मंत्री मारिस पायन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मध्य साक्षात करते 2+2 डायलॉग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के महत्व को दर्शाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है जो फ्री ओपन इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन के शेयर्ड विजन पर पूरी तरह से आधारित है। दो लोकतंत्रों के रूप में पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही 24 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हो अवपात परिणत हो पाणिपाग विभाग पक्षर आकलन कर प्रभाव में काले जाए राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा होबार संभावना रही किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह गोटे कि 2 स्थान में अत्यंत वर्षा होबा नहीं चेतावनी जारी कर आज पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक एवं ढेंकानाल जिलार किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर मयूरभंज बालेश्वर संबलपुर सोनपुर अनुगुल बौद्ध बलांगीर नयागढ़ और गंजाम जिला को येलो वार्निंग जारी कर
ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित रिपोर्टर कविता स्वाई जोड़ी रही। कविता, लघुचाप प्रभाव में राज्य में केते दिन धरी वर्षा हेबो एवं विशेषकर क्यों क्यों जिला को रेड वार्निंग एवं येलो वार्निंग जारी करा जाय छे। निहत भाव में माधुरी जदि कह कि पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में गत काली सृष्टि होती गोटे लघुचाप एवं लघुचाप जो पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगा आड़े गति अधिक घनीभूत हो अवपात परिणत हो तो आगामी तीन दिन पर्यंत अर्थात 13 तारीख 14 तारीख पर्यंत वर्षार परिमाण बढ़ जहाँ ट्रपलाइन मनसून ट्रपलाइन रही वर्तमान ता सक्रिय रही जार प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होने सूचना दे आंचलिक पापाग विभाग यहाँ आज सका 8:30 पर्यंत जो बुलेटिन जारी करी कह ट्विन सिटी कथ विशेष भाव में कहुई ट्विन सिटी में वर्षार परिमाण क्यों भाव रग क्यों रोपर विशेष गुरुत्व दि जाए जदि कह 2 रु 3 सेमिटर वर्षा होगा ट्राफिक समस्या होगा नहीं आगुआ सतर्क कर प्रबल वर्षा होगा नहीं सूचना दि जाए आउ जो एवं यही मसरे 2टी वर्तमान लघुचाप सृष्टि हो सारे कि निंटिया वर्षार प्रभाव एत मात्र रही वर्षा 2टी लघुचाप आसिले भरणा हो पारना निंटिया वर्षा निंटिया जो वर्षा रहा निंटिया पाग जो रहा कथा ता वर्तमान भरणा हो पार आदि कह मौसुमी स्थिति जून रु आज पर्यंत जो स्थिति रही वर्तमान राज्य में 26% कम वर्षा हो 11 जिले में स्वाभाविक वर्षा होता बेले जो 9 जिला रही निंटिया वर्षा होता भितर 5 जिला मुख्यतः तो सर्वाधिक निंटिया वर्षा हो विशेष भाव में कहा आग को गोटे लघुचापर सूचना आसूरी जदि लघुचाप सृष्टि होता ये जो निंटिया निंटिया पाग रही मरुड़ी परिस्थिति क्या कह यही जो वर्षा सृष्टि हो ये जो लघुचाप सृष्टि यही वर्षा मध्य चाष कार्य को बढ़ाई पारे केते सहायक हे निहत भाव में यही समय हूँ चाष समय समय जो गत काली नुआखाई थी और यू नुआ धान आस आरंभ कराए चाष कम आरंभ कराए आदि कह कि वर्षा जेहेतु होना मरुड़ी संभावना कि जिले में देखा मिली मरुड़ संभावना किंतु वर्तमान जो लघुचाप गोटे पर गोटे लघुचाप आसूँ आशा कर आग को चाष भल हो चाषीपाई शुभ खबर आसपे जहाँ आशंका ओके चाषीपाई खुशी खबर बोली कह वर्षा हुए तो कौट ना कौटी जो निंटिया वर्षा रही भरण करें बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपंकर तमाम सूचना सेवर्त खबर को नुआखाई उत्सव मुखर हो उठी पश्चिम ओडिशा गाँठ नहीं सबुठे सहर सबुठ खुशी माहौल तेज द्वितीय दिन में भेटघाट कार्यक्रम को फिका करोड कटक राज्य सरकार गाइडलाइन रे भेटघाट कार्यक्रम को बारण करे घरे पिठापणा पर्व पाले लोके एक कृषि भित्तिक पर्व पालन पाई सबुठ खुशी परिवेश बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित कुचिंडार रिपोर्टर सौम्यरंजन धल जोड़ी रही। सौम्यरंजन भेटघाट कार्यक्रम आज बारण कोविड गाइडलाइन भितर कि माहौल देखुं लोकों मध्य कौन प्रतिक्रिया प्रकाश पाँच निहत भाव में माधुरी देखो जितेबाला गत काली पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई थिला नुआखाई पूर्व 5 दिन पूर्व लोक मैंने प्रस्तुत होते नुआखाई किपर भाव में पालन करेंगे गत काली नुआखाई पालन होती आज जो कार्यक्रम रही घर घरे लोक मैंने पिठापणार आसर जमीब नुआखाई भेटघाट कार्यक्रम जो थिला से कोविड कटकणाई संपूर्ण भाव बारण कर चलित बर्ष घरे घरे लोक मैंने आज मजा मजलिस करेंगे आमिष भोजन भी हम आज जेहेतु आज रविवार अच्छे गोटे धूमधाम महोल घरे ही लोक मैंने नुआखाई जो बासी रही है पर्व को पालन करेंगे आम सहित कुचिना अंचल बासी ना सहित जी सीधा साल आलोचना करवा आज्ञा प्रथम आपको नुआखाई शुभेच्छा जन का नुआखाई थी आज नुआखाई को लेकर केते प्रस्तुत अच्छा आज कौन कौन कार्यक्रम अच्छे जेहतु सरकार गाइडलाइन कर चलित बर्ष विभिन्न जगार भेटघाट कार्यक्रम हमें आपको लेकर आप कौन कहे प्रथम तो दर्शक बंधु समस्त मोर नुआखाई जुहार आ गत वर्ष तो जहाँ नुआखाई जेमती भी पालन है बहुत बहुत फिका लगुला कोरोना लगी ये वर्ष कि अस्वस्ति मिली कोरोना बोले ये वर्ष घरे घरे 2 वर्ष पर आज मत कथ कह 2 वर्ष पर आज गाँ के आसिक बहुत बढ़िया लगुचे गाँ ने आज सब पर आम गोटे जगह नहीं जाऊँ गोटे पर आज कल नुआखाई समस्त पूजा पूजी कर खाइलु बहुत सुखर आज गोटे रविवार आज आम ताके बहुत घर घर भितर घरे सब छुआ मैंने सब भाई मैंने समस्ते मिसिकी मिसिकी टे
ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବୁ ଆମର ଘର ଘରେ ଘରେ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ରହିକରି ଏଇଟା ମକାଟେ ମିଳିଛେ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ଗୋଟେ ମକାଟେ ମିଳିଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟାକେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏଇଟାକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମାଧୁରୀ ଜାଣିଥିବା ଯେତେ ଯେମିତି ଭାବରେ ରଜକୁ ତିନି ଦିନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ନୂଆଖାଇକୁ ଦିନ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମ ସେଟା ଜଣେ କୁଚିନ୍ନା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଆଜି ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଥିଲା କାଲି ଓ ଆଜି ତାର ମାହୋଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଯୋଉ ରହିଛି ବାସିଟା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲୋକମାନେ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ କାଲି ତ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ପିଠାପଣା ସବୁ ଏମିତି କରି ଖିଆପିଆ ହେଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ରବିବାରଟା ଆଜି ମାଛ ମାଂସ ମାନେ ସବୁ କରିକିରି ମାନେ ଖିଆ ହେବ ଏଇ ମୋ ହିସାବରେ କାଲିଠୁ ଆଜି ଧୁମଧାମରେ ଖିଆପିଆ ହେବ କାଲି ସାଧା କରାହେଇଥିଲା ଘରେ ପିଠାପଣା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆଜି ମାଂସ ମାଂସ କରି ଖୁଆ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକାଠି ହଁ ନକାଇ ପେଟଘାଟେ ସବୁ ପରିବାର ମିଶିଛୁ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି କହୁଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ମାଧୁରୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରବିବାରଟା ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଘରେ ଘରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ କୁଚିଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇ ରହିଥିଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧନୁଆ ଟେରା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ସହ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ନୂଆଖାଇ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧନୁଆଡେରା ଗାଁରେ ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ରମେଶ ଖମାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଏବଂ ରମେଶ ଖମାରୀଙ୍କ ପରିବାର ମିଳିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଧି କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବା ଯେହେତୁ ସେ ମୁଖିଆ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଖରେ ନୂଆ ନବାନ୍ନ ଲାଗିସାରିଲାଣି ତ ଏବେ ତମେ ସେମାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେଲେ ହୋଇସାରିଲାଣି ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ତିହାର ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ତ ଏବେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ବିଧିରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେନିକିରି କୁହନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇଟା ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ଅଟେ ଆମର ପୁରୁଖା ପୁରୁଖୀରୁ ଖାତି ଖାତି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆଗତ ନୂଆଖାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଖୁଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା 1992 ମସିହାରୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ତିହାର ହେଲା ପଞ୍ଚମୀଟା ଭାଦ୍ରପ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀଟା ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେଲା ବୋଲିକି ଭାବିକି ସଭିଏ ଖାଉଛୁଁ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ସେ ଲଗ୍ନରେ ଆମେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀକୁ ପୂଜା କରି ପୂଜା କରସୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୂଜା କରସୁଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇସୁଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ସେ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ ନୂଆଟା ତାପରେ ଆସିକରି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସି ଠିଆ ହେଇକରି ନିଆ ନୂଆକେ ଖାଇସୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଲାଗିଛି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ଯେ 1992 ମସିହାରୁ ତାମାନେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ ଆଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଉଥିଲେ ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଏମିତି କରାନାହିଁ ଯେମିତିକି ଏବେ ନୂଆଖାଇରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ କରୁଛନ୍ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର ନାଇଁ ହେବା ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ କାଇଁ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକେ ଆପଣ କାଇଁଟା ଦାବି କରିବେ ଆପଣ ହେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛୁଟି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନୌକରି କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ସେମାନେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ନାଇଁ ପାର୍ବାର କାରଣରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କି ବି ଛୁଟି ଆମକୁ ଦେବାର ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଛୁଟି ଦେବାର ଦରକାର ଆମର ଆଶା ହେଟା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ସରକାର ଆମକୁ ନୂଆଖାଇ ଦିନଟାକା
छुट्टी दौजे हमर छुआ पिला समस्ते एक साथ में नुआखाई लगी हमको सुविधा है आम तुम जे भेटघाट गोटे इम्पोर्टाट है परिवार रो बड़ लोग नु देखु जे नुआ जे नवान्न खाबारटा तो आम देखु से परंपरा हेल्ले आपंकर घरे करूली तो ये कहीं कहब ये परंपराटा आगामी दिन में छत्तीसगढ़ ये जारी रहा कि जेहेतु सरकार जिते प्रायोरीटी देवार कथ छत्तीसगढ़ सरकार नुआखी गोटे छुट्टी करवार लगे हेल्ले दाबी हो कहीं कहब ये छुट्टी तो करबार कथा लेकिन सबुदिन आम जिते दिन जैक थीमु सबुदिन नुआखाई के पालन करूँ सब मिसी कर निश्चित भाव आम खमारी परिवार सहित आज सामिल थिलु से आम ओडिया परंपरा रे जमी पश्चिम ओडिशा रे नुआ खाई खाती एवं जो विधि रे करती समान ढंग रे धनुआ डेरा हेले पालन करा जाउछि छत्तीसगढ़ धनुआ डेरा गाँव रु कैमरा पर्सन बापी दलें सहित सुरेन्द्र बारिक अर्गस न्यूज समय सारी बुलेटिन को रखुच नमस्कार।